नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपैड गुरु में। दोस्तों आज जो है कुछ बीट्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से, और बहुत अच्छी अच्छी बीट्स हैं और ये 100% आपको काम आने वाली बीट्स हैं। अब बहुत सारे गाने हैं ऐसे जैसे प्यार दीवाना होता है, रात कली एक ख्वाब में आई, और इस तरह की जो गाने हैं इन बीट्स में हम बजाएंगे। और कुछ नए गानों के जो पैटर्न हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे मान के चलो वो गाना है अपना ये ना है ये पाना, तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हम जो है आज इस वीडियो के माध्यम से बीट्स कवर करने वाले हैं। और ये 4x4 का ही पूरा पैटर्न रहेगा, है ना। तो हम ये बीट कवर करेंगे, ठीक है। हम ये बीट कवर करेंगे, और इस तरह की हम कुछ बीट्स और कवर करेंगे, जैसे तो एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल मेरा इतना है कि पैचेस तो ठीक है, अपनी जगह हम पैचेस बनाते हैं और काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम अकेले ऐसे फंस जाते हैं कि पैचेस नहीं है हमारे पास में, अब क्या करें। तो कोशिश करिए आप लोग, जितने भी लोग ऑक्टोपैड बजाते हैं, एक ही पैच में आप लगभग सब चीज़ें बजा लीजिए। ऐसा कुछ आपका पैटर्न बनाइए, कोशिश करिए एक ही चीज़ में, मतलब एक ही पैच में सब काम हो जाए आपके, है ना। अगर ढोलक वाला साथ में है तो आप इसी में ही पर्कशन बजा लो आप, मतलब आपका सेंस एकदम से काम करना चाहिए। कुछ इस तरह का आप जो है सीखें, लर्निंग करें ऐसी, और ऐसी लर्निंग मैं सिखाना चाहता हूं सभी को, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल पैच के पीछे नहीं पड़ते हम, फिर जब सब साथ में रहते हैं इंस्ट्रूमेंट तो फिर हम उनके साथ मिक्स होके बजाते हैं, तो इस तरह की लर्निंग करेंगे। तो चलिए हम आज क्लियर करते हैं जो कॉन्गो ड्रम के साथ में जो पुराने गीत बजते थे, जैसे ये शाम मस्तानी और इस तरह के और कुछ गीत, तो वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। उसके लिए बेसिक बीट पहले हम देख लेंगे, और ये जो पूरा पैटर्न है ये हम ड्रम के पैच में कवर कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर कॉन्गो लगा हुआ है ना, कॉन्गो ड्रम। यहाँ पर स्लैप टोन लगा है, मतलब टक वाली आवाज़ लगी है, और यहाँ पे तुन या टू ऐसा करके नाम दे दिया है हमने, टू डू, बिल्कुल बढ़िया ऐसा साउंड सुनाई देता है। और ये टॉम्स लगे हैं, तो ये हम आज कवर करते हैं कैसे इन जो साउंड को है बीट्स में बजाना है, ठीक है। तो पहले बेसिक पैटर्न समझ लेते हैं हम 4x4 का, कि क्या हमको आखिर उस पैटर्न को पहले क्लियर करना है। तो देखिए आपका जो है ये एक बेसिक पैटर्न है कि दिखता दिखता ता दिखता दिख ता, है ना। 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हम 1 2 3 4 करते तो 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2 1 2, ये काउंट आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। मेरे ख्याल से आप इस तरह से काउंट करेंगे तो आपको इजी रहेगा, और ये सिंबल जो है जस्ट उसके डबल काउंट में चलेगी, तो 8 काउंट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4। दिख ता धि दिख ता दिख ता धि दिख ता ता दिख ता धि दिख ता ता, या ता भी बजा सकते हैं आप। क्या करना है आप देखिए, तो पहले जो किक मैंने यहां पर बजाई, इसमें दो बार इसको बजाइए सिंबल को, हाई हेट क्लोज सिंबल को, है ना, सी पोर्शन को। और लिख कर दे सकता हूं मैं, लेकिन लिख कर देना इतना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कारगर रहेगा, आप तो बस सुनते जाइए और इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो 1 2 और थर्ड पे ये स्नेयर, बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम, बेसिक पैटर्न क्लियर कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है।
तो अभी तीन स्ट्रोक आए हैं ये वाले, 1 2 3, 1 2 3, अभी हमको 8 तक ले जाना था, 1 2 3 4 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको गिन रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये जस्ट डबल चल रहा है ना, तो ये आ गया धिक, उसके बाद धिक बजाना है, धिक चिकता धिक, तो यहां हमने इसको प्ले किया, फिर एक बार इसको अकेले को प्ले किया, फिर इसके साथ में ये प्ले किया, उसके बाद फिर किक और ये सिंबल फिर से प्ले करना है, ये अकेले आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, इस किक के बाद ये अकेला स्ट्रोक बस वही आ रहा है, जो अगर इसको हम 8 काउंट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 सेकेंड स्ट्रोक आ रहा है, ये सेकेंड स्ट्रोक अकेला आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये सेकेंड स्ट्रोक अकेला आ रहा है अभी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में भी अकेला आ रहा है ना, और 7 8 में आप ये बजा लें या ये बजा लें, ठीक है, या तो ये बेसिक पैटर्न है आपका, है ना, बेसिक पैटर्न। अब एक गाना गा के बताता हूं मैं आपको, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से, तो इस तरह का गाना जो है आप इसमें बजा सकते हैं आप, ये शाम मस्तानी मत हो रात कली एक ख्वाब में आई और गले का, तो ये सब गाने हैं आप इसमें आराम से प्ले कर सकते हैं, तो ये बेसिक एक पैटर्न हो गया। अब इसमें आपके साथ में जो भी एकम्पनीमेंट वाला रहेगा तुम कॉन्गो या तुम्बा वाला, वो और भर देगा इसको, अगर वो नहीं है तो आप आगे हमको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको, अभी आपने सीख लिया। अभी जो हाई हेट ओपन है वो कहाँ पे आप बजाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ ये अकेला आ रहा है वहाँ आप बजा सकते हो, जैसे तो जहाँ अकेला आ रहा है उधर इसको बजा लो, तो अकेला कहाँ आ रहा है, सेकेंड स्ट्रोक पे आ रहा है, इसके हिसाब से सेकेंड स्ट्रोक पे आ रहा है और सिक्स स्ट्रोक पे आ रहा है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर रिवाइंड करिए और धीरे धीरे स्लो करके इसको समझ लीजिए। आज जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से, ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा होने वाला है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रखे रहो अपने पास में, लेकिन देखो और देख कर सीखने की कोशिश करो। तो ये पैटर्न हो गया बेसिक पैटर्न, अब हम क्या करेंगे इसमें कॉन्गो ड्रम को इंक्लूड करेंगे, जब कॉन्गो ड्रम को इंक्लूड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको हम आखिरी में दो बार नहीं बजाएंगे, हम क्या करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब कॉन्गो कैसे इंक्लूड करना है, अब कॉन्गो में आप कुछ भी बीट पकड़ लीजिए, बस वो इसी पूरे आवर्तन में आपको उसको बजाना, जैसे धिकता धिकता टूडू, अब ये तक टूडू, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट काउंट यहाँ बजाया, सेकंड काउंट हमने इस पे बजा ली, तो और थर्ड काउंट पे हमने ये दोनों साथ में बजा लिए। अब ये हाथ चलाने से फ़ायदा यही होगा कि हमारा हाथ यहाँ पर भी आराम से जा सकता है, तो ठीक है वापस ये धिक और तो ये धिधिक बजाया, तो धिधिकता और ये टूडू, टूडू से मतलब ये तुन तुन, 1 2, इसको तो एक ही बार बजाना है आखिरी में, मैंने बता दिया आपको, इसको दो बार, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है ये बीट है, और स्लो करके एक बार बता देता हूं मैं आपको,
ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें और भी पैटर्न हम जोड़ सकते हैं इसे। तो क्या किया मैंने, यहां तक तो आ गए हम, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो सेकेंड बार की गा रही है उसमें इसको दो बार बजा दिया इसके साथ में। ये और इसके साथ में ये, तो फर्स्ट किक जब यहां डबल आता है, देखिए ये बजा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये दो बार जो किक आ रही है ये देखिए, उसमें क्या करना है, यहां तक तो ये बजा लिया आपने, और एक बार जो किक आई उसके बाद जो दूसरी बार वहां पर आ रही, तो वहां पर आपको ये पैटर्न बजाना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वही कहूंगा मैं कि फिर से रिवाइंड करिए और धीरे धीरे इसको समझते जाइए। आप स्लो में बता देता हूं आपको, फिर से सुनिए। आप सुनिए, एक अब मैं एक और पैटर्न इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, तो और बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। अब क्या किया मैंने, मैंने क्या किया देखिए, मैं पहले सुन लीजिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को, कि मैंने क्या किया कि मैंने इसको दो बार थोड़ा सा जल्दी फास्ट बजा दिया, तो उसमें उसको सीखना कैसे, उसको बजाना कैसे, आप कैसे समझेंगे। देखिए आप इतना तो बजाए ही आपने, अब क्या करिए आप, जब ये किक आया, ये वाला किक आया वापस आते समय, ये देखिए, तो यहां से 1 2 3 जल्दी, और थर्ड स्ट्रोक में किक फिर से बजा दीजिए, तो यहां से लेके जो दो बार आ रहा है उसमें यहां पर जब एक स्ट्रोक और इंक्लूड हो जाएगा, तो ये तीन काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो उतने ही आवर्तन में 1 2 3 कंप्लीट होना चाहिए, और यहां पर 4, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये ऐसा बजेगा। ऐसा नहीं करना कि आप ऐसा बजा दो, ऐसा नहीं करना, उतनी स्पीड में बजाना पड़ेगा। ठीक है, एक दो तीन चार, अकेला इसको साथ, अकेला फिर दोनों साथ में, और फिर ये अकेला, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या पैटर्न सीखे हमने, ये अब इसमें कौन कौन इंक्लूड किया, आई होप आपको ये चार पैटर्न क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें ही पैचिंग होती है, फिर बाद में हमको कुछ अगर तबला लगाना तो टिक टिक टक डुडु डुंग डुंग टंग, यहाँ पर तबला लगा लिया तो वो इतना अच्छा टोन सुनाई देने लगा, लेकिन हाथ तो चले पहले, हाथ चलाने के लिए ये एक्सरसाइज तो हमको करनी ही पड़ेगी ना, तो हाथ चलाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है ये, आप करते जाइए करते जाइए, माफ़ कीजिएगा, करते जाइए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और फिर जब पैचेस बजाने की बारी आएगी तो हाथ आराम से चलेगा आपका। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो,
अब क्या किया मैंने, धिंता चिंता धिंता टूडू, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले स्ट्रोक पे ये बजाया, फिर उसके बाद इसको बजाया, और फिर इसके बाद थर्ड स्ट्रोक पे ये आया, और फोर्थ स्ट्रोक पे ये दोनों साथ में आए, और फिफ्थ स्ट्रोक पे फिर दोनों साथ में आए, या ऐसा ही बजा सकते हैं। इसमें आप खास बात ध्यान देने की है कि स्नेयर मैं नहीं बजा रहा हूँ, उसकी ब्यूटी खत्म हो रही है, स्नेयर नहीं बजाना है आपको, यहाँ से केवल ये कॉन्गो का स्लैप टोन ही बजाना है। ठीक है, वन टू, वन टू थ्री फोर, मतलब फोर पे ही आ रहा है, फिर से वन पे ही आया, टू पे ही आया, फिर थ्री पे आया, फिर फोर पे ही, और फिर फिफ्थ पे फिर से ही आया, और सिक्स पे फिर वापस ये, देखिए सिक्स पे जब ये आया तो, और सेवन पे ये, वन टू वन टू, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मान के चलो आपको ये बीट बजानी, तो कैसे बजाएंगे, ये वाली, क्या होता है कि हाथ अपना आप फ्री करेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं आप, इसमें इधर से उधर हाथ ले जाकर आप पूरा भरा हुआ पैच बजा सकते हैं। अब मैंने क्या किया इसमें, सिंपल ये जहां किक आ रही है वहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसमें भी स्नेयर मैंने नहीं बजाया, अगर आप चाहें तो बजा सकते हैं, है ना, ये स्नेयर के साथ भी अच्छा लगेगा और वैसे भी अच्छा लगेगा। मेरे महबूब खयामत, माफ कीजिएगा, गाने गाते समय सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे महबूब के बीट, देखिए मैं गा के बताता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे गाना और बजाना दोनों साथ में तो बहुत मुश्किल है, कीबोर्ड बजा के मैं गा लेता हूँ लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो सुनिएगा। मेरे महबूब खयामत होगी, तो ये गाना है, जबरन मैं ऐसे गा रहा हूँ तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इस तरह की बीट आप जो है इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे बजाना है, जहाँ किक आ रही है ना वहाँ पे आपको ये स्लैप टोन को यूज़ करना है, बाकी में सिंबल। टक चिटा टक टूडू ढक ढक टूडू ढक चिटा टक टूडू ढक चिटा टक टूडू, ठीक है, तो ये बेसिक बीट हैं, इनके पिकअप्स भी मैं बताऊंगा आपको, अगर आप चाहें तो इसको अगर पूरा देखेंगे आप वीडियो को तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, पिकअप भी मिल जाएगा आपको इसको इसका, तो ये कुछ मैंने आपको पैटर्न आपको बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप बात करते हैं कुछ नए गानों में, आजकल बीट्स बजती ऐसी, बहुत मज़ेदार बीट है, बहुत ज़्यादातर बजती है, तो इसको आप कर लो प्रैक्टिस। कैसे करोगे, वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें हो रहा है, और ये धिक ता धिक धिता धिक ता धिक धिता धिक ता धिक धिता ऐसे आ रहा है, तो वन टू थ्री, थ्री पे क्या हो रहा है, ये बज रहा है वन टू थ्री, और फोर पे क्या बज रहा है, ये वापस किक,
1 2 3 4 1 2 3 4 और उसके बाद फिफ्थ पे अकेला ये बजेगा बहुत सॉफ्ट। ये देखिए फोर्थ स्ट्रोक ये है और फोर्थ स्ट्रोक के बाद ये अकेला बज रहा है। और फिफ्थ पे फोर्थ स्ट्रोक पे ये दोनों बजा, फिफ्थ पे ये अकेला बज रहा है। और ये हो गया अपना फिफ्थ स्ट्रोक अकेला और फिर सेवंथ सिक्स पे ये देखो फिर से देखो सॉरी 1 2 3 4 ये हो गया और उसके बाद फिर किक आना है, ये नहीं आना है ना। धिक चिक टक धिक चिक धिक तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स पे ही आएगा, फाइव पर ये अकेला और सिक्स पे ये दोनों साथ में 1 2 3 4 ये फोर पे आया दोनों और फिर अकेला ये फाइव पे और फिर ये सिक्स पे फिर से। और उसके बाद जो है ये आएगा सेवन पे और ये एट्थ पे अकेला और एट्थ पर आप ये कर लो, यहां पर कर लो इसको हाई हेट ओपन बजा लो यहां पर है ना एट्थ पर, तो बहुत अच्छी बीट है, आपको बहुत काम आने वाली है बीट। इसको मैं कई बार ऐसे ही बजाता हूं, देखिए जो अगर इसको 1 2 3 4 कर दें और कुछ स्ट्रोक पे अगर एक बार बजा रहे हैं 1 2 3 4 और एक की जगह ऐसे कर दें दो बार, एक ही काउंट में दो बार बजा दे तो जैसे सेकंड काउंट है जहां खाली आ रहा है तो 1 2 3 ये जल्दी से तो जहां जहां खाली आ रहा है वहां पे बजाओ, आप जल्दी बजा दो थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, ये एक पैटर्न है जो आप बहुत सारे गानों में रॉक स्टाइल के जो गाने होते हैं आजकल बच्चे गाते हैं उसमें ये बीट बजेगी आपकी है ना। बस ये है कि इसमें आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है ये सब आप देख लीजिएगा, बाकी तो एक ड्रम का पैच लगा के अगर आप रॉक बैंड वालों के साथ बजाते हैं तो खास तौर से यही बीट चलती है, लगे हैं वो लोग बजाने के लिए। ऐसे अब क्या किया उन्होंने, ये जो है 8 बार हम चला रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वो उसको आधा कर दिया यहाँ पे। अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं, तो इसको हवा में मारो है ना। इस तरीके से आप आराम से ये वाली बीट बजा सकते हैं, इसमें आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये भी आप बजा सकते हो लेकिन इसको ना बजाओ आप, ज़्यादा अच्छा है इसका जो कॉन्गो का पैटर्न है वो पुराने गानों में यूज़ करो, नए गानों में कॉन्गो वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ बहुत कम होता है, तो यही पैटर्न आप रखो। और इसी में ही कलाकारी करते रहो आप। दो बार किक बजा ली, जहां पे खाली आ रहा था ये पैटर्न वहां पे दो बार किक बजा लो। ठीक है, तो ये 4x4 के कुछ पैटर्न्स हैं ये, जो आप अगर कर लेते हैं तो बाकी पैटर्न्स तो आप आंख बंद करके क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे से, इनको आप सीख लीजिए है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ पिकअप की, जो पुराने गाने हैं उनमें पिकअप
बहुत सिंपल सिंपल पिकअप हैं, जैसे तक तक ये बजा सकते हैं, या ये बजा सकते हैं, और या आप आधे बीट का बजाना चाहें तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये है पिकअप, बहुत सिंपल है। और जो नए गाने हैं उनमें कुछ और पिकअप, जैसे नए गानों के लिए बीट जो हमने करी है ये, ऐसे बजा सकते हैं तक 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 तक, जो इससे पहले सोल बीट का आपने अगर नहीं देखा हो तो वो देखिएगा, उसमें भी मैंने पिकअप्स बताएं, तो ये कर सकते हैं। धित्ता ता दा दा, तो ये कुछ पिकअप है। और मुझे लगता है आप कंटिन्यू करते रहिए, गानों को सुनते रहिए, गानों में बजाते रहिए, उनमें जो पिकअप आते हैं, क्योंकि ऐसे पिकअप तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और मैं बताता चला जाऊंगा, लेकिन समझ में तभी आएंगे जब आप पहले बेसिक बीट में रम जाएंगे अच्छे से, है ना। जब रम जाएंगे तो फिर पिकअप आप बजा पाएंगे, और बीट्स को आप बोलिए बढ़िया तरीके से, आप उसको प्रॉपर अगर बोलेंगे तो 100% जो है आपको ये बीट्स क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आप क्या सीखना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट करिएगा, तो मैं आगे का वीडियो उसके हिसाब से बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।